आज तो अप्पी दीदिया पूरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पे बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीनने बैठ जाते, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों के त्यौहार। बच्चा सोच रहा है कि आज तो दीदी बुरी फंस गई है, ना उनको दही चूड़ा पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो कोई फरमाइशी नाश्ता भी उनको बनाकर नहीं देगा, उनको तो आज खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। और खिचड़ी खाने के बाद में वे गया से आए तिल, गुड़, चीनी कि तिलकुट इनको सबको बहुत चाव से खुश होकर खाए। खाते खाते वो सोचती है कि कितना अलग है ना इस खिचड़ी का स्वाद जो अभी हम खा रहे हैं। स्कूल में जो खिचड़ी बनाते थे उसकी तो अपनी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी के दिन हम लोग नाव पे बैठकर गंगा नदी की सैर करना, टापू में बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, सबके साथ कितना मज़ा आता था। सब मिलकर ईंट पे बने चूल्हे में कढ़ाई में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में कुछ कुछ काम में मदद करते थे। वैसे ही स्कूल वाले खिचड़ी खाने का मौका दोबारा कभी भी नहीं मिला। उसको मनाने के एक अलग ही मज़ा था। वाकई ढंग कैसा भी हो, सब अलग अलग प्रकार से करते हैं, पर ये सब खुशियों के त्यौहार हैं।